क्लास के समूह विद्यार्थियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। डियर स्टूडेंट्स, माई सैल्फ सुनील योर इंग्लिश टीचर। टूडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ यूअर चैप्टर नंबर 4, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। टूडे वी विल डू इट्स क्वेश्चन एंड आंसरस। तो बेटे, इसका जो पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान नाल सुनेंगे। हाउ डज द ऑथर डिफाइन लिबर्टी? तो जड़ा आज़ादी जड़ा लेखक है किस तरह जड़ा उन्हें डिफाइन करता है? तो लिबर्टी इज़ द फ्रीडम टू थिंक वट वी लाइक। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी है वो सोचने की, जो असनी सोचना चाहते हाँ। से वट वी लाइक, वो कहन की जो असी कहना चाहते हाँ। वर्क एट वट वी लाइक एंड गो वेयर वी लाइक। तो की है, जिथे असी की है अपना काम करना चाहते हाँ, अते उत्थे जाण दी जिथे असी जाना चाहते हाँ। तो इस बेटे की आपां आज़ादी कहने हाँ। लिबर्टी इज ए द बर्थ राइट ऑफ ईच एंड एवरी परसन। की है स्वतंत्रता? की है हरेक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। बट ईवन दैन इट इज़ नॉट ए परसनल अफेयर। पर इसके बावजूद की है, ये कोई निजी विषय नहीं है। इट इज़ कंप्रोमाइज और सोशल कंट्रैक्ट। फिर भी एक ही है, एक समझौता या एक समाजिक इकरारनामा है। तो बेटे आज़ादी है, पर आज़ादी उदों तक है जदों तक आप समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति को कोई ठेस नहीं पहुँचाते। इस करके इस समाजिक समझौता भी कहा जाता है। पहला प्रश्न है, वट इज़ डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन इज़ रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी। तो अपनी आज़ादी तो की है, जी बंदिश लगाई जाती है, उन्होंने आप डिसिप्लिन कहते हैं। इट ट्रेन्स पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर एंड पुनिशस दैम इफ दे डोंट डू। तो की है, जेकर वो नियमों को जड़ा की है नहीं मनते, तो उन्होंने की है जी है सज़ा भी दी जाती है। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी इन एवरी फील्ड ऑफ सोसायटी। समाज में जी है अनुशासन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इट इज़ ओनली डिसिप्लिन दैट इनेबल्स मैन टू लिव इन ए सोसायटी एंड जैट रिमेन्स इंडिविजुअल लिबर्टी। तो की है, ये सिर्फ अनुशासन ही है जो व्यक्ति समाज में रहन और फिर भी अपनी निजी स्वतंत्रता बरकरार रखने के काबिल बनाता है। अगला प्रश्न है, वाई शुड वन कीप टू द लैफ्ट? कि आपां खब्बे हथ क्यों चलना चाहिए है? बेटे ये भी की है, एक डिसिप्लिन है। तो कीपिंग टू द लैफ्ट वाइल गोइंग ऑन द रोड इज़ द रूल ऑफ द रोड। एक ही है, एक सड़क पर चलन का नियम है। वी शुड अबे दिस रूल ऑफ रोड नॉट ओनली फॉर अवर ओन एडवांटेज बट आलसो फॉर द राइट्स ऑफ द अदरस। तो खब्बे हथ चलन की है, आप सिर्फ की है इनका की फायदा होगा, आप रूल नहीं मान रहे सगो दूजे भी इनका की है फायदा पहुँचा रहे हैं। इफ वी डोंट डू दिस डू वी विल नॉट ओनली इनडेजर अदरस बट अवर सैल्व आलसो। जो अजा नहीं करा तो आपने दुनिया की लाइफ भी खतरे में पा लेंगे हाँ। प्योर डिसिप्लिन डिफर फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसिप्लिन। तो बेटे प्योर डिसिप्लिन कहड़ा है? जो तुम्हारा इनर डिसिप्लिन है, इनसाइड डिसिप्लिन है, उसनों आप प्योर डिसिप्लिन कहेंगे। जो तुम्हारे अंदरों पैदा होता है, जोड़ा कि किसी ने तुहाडे उपर थोपिया नहीं। तो यह बेटे प्रश्न भी तुम जोड़ा है याद करना है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न आप करेंगे, वट टाइप ऑफ लिबर्टी डू द ब्रिटिश बिलीव इन? द ब्रिटिश लोग किस तरह की आज़ादी विश्वास रखते सन? द ब्रिटिश बिलीव इन 4 टाइप ऑफ लिबर्टी। 4 किस्म की आज़ादी रखते सी। दे वांट द लिबर्टी टू थिंक, सोचन की। वट दे लाइक, जो सोचते हैं। दे वांट द लिबर्टी टू से, जो कहना चाहते हैं। दे वांट द हैव लिबर्टी टू वर्क एंड वट दे लाइक, वो उत्थे काम करना चाहते हैं जिथे उन्होंने पसंद है। और दे वांट टू हैव अ लिबर्टी टू गो वेयर दे लाइक, जिथे वो जाना चाहते हैं। बेटे बोलन की, सोचन की, काम करन की, तो जिथे जाण की, कितने भी जाण की, जिथे वो जाना चाहते हैं। वो 4 तरह की जी है आज़ादी की गल करते हैं। अगला प्रश्न है, वाई इज डिसिप्लिन अनअवॉइडेबल फॉर ए मॉडर्न मैन? कि डिसिप्लिन आप क्यों जरा अवॉइड नहीं कर सकते? जे करांगे तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में पा लवेंगे। मॉडर्न मैन लिव्स इन ए कंपलैक्स कम्यूनिटी इन विच एवरी परसन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। आधुनिक मनुख मिश्रित समुदायों में रहता है जिन्हों में हर एक व्यक्ति दुनिया उपर निर्भर करता है। सो डिसिप्लिन इज अनअवॉइडेबल फॉर द मॉडर्न मैन। इस करके आप डिसिप्लिन जड़ा है उन्होंने अखों परोखे जड़ा नहीं कर सकते, उसनू जड़ा मनना लाजमी है। हाउ डिड द ऑथर एक्नोलेज द सल्यूट ऑफ द प्राइवेट सोल्जर? द ऑथर वॉज ए ब्रांड न्यू सैंक लेफ्टिनेंट एट दिस टाइम। वंस ही वॉज वॉकिंग ऑन ए परेड, ए प्राइवेट सोल्जर पास हिम एंड सल्यूटेड हिम। द ऑथर एक्नोलेज द सल्यूट फॉर द सोल्जर विद द एरी वेव ऑफ हिज हैंड। तो आपका जो हाथ की है हवा के लहरा के उसका सल्यूट जो मनता है। हाउ डिड द कर्नल पुनिश
punish the author for not returning a salute properly. The colonel rebuked the author for not returning a salute properly. He punished the author for this. He made the author march in front of the whole battalion and practice before the sergeant major Kane how to return a salute. Discipline begins with the officers. He said to the author. ठीक है, कर्नल ने सलामी के जवाब से ढंग नाल नहीं दिता सी, इस ते लेखक ने डांटिया सी उसने उस इस दे ले लेखक नूं की है पूरी बटालियन के सामने मार्च करवाया ते सर्जेंट मेजर दे बैंत जिहड़ी उहने इक डंडा हुंदा हुंदा है उहदे अगे जिहड़ा जमीन विच गड़ दित्ता सी, कहिंदा सी इहदे सामने तूं जिहनूं सल्यूट करेगा। तो जिहड़ी अनुशासन की शुरुआत कित्थों हुंदी है, अफसरां तों हुंदी है, उसने लेखक नूं कहा। अगला बेटे जिहड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटे, वट डज इनडिसिपलिन लीड टू। तो इनडिसिपलिन दे नाल की हुंदा है बेटे, वो बेटे प्रश्न आपां करदे हां। इनडिसिपलिन लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड चॉइस इन ए सोसाइटी। तो अनुशासनहीनता समाज विच की है अफड़ा तफड़ी अते अशांति फैलाउंदी है। इट क्रिएट्स करप्शन लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर आल अराउंड। इट क्रिएट्स वायलेंस आल्सो अमंग द पीपल। द ईवल एलीमेंट इन द सोसाइटी लुक्स फॉर एक्सक्यूजेस टू क्रिएट वायलेंस। सिक्योरिटी फॉर द पुअर एंड द वीक वेंस इनडिसिपलिन ईट्स इन टू द रूट्स ऑफ अवर मोरल सोशल एंड नैशनल लाइफ। तो बेटे इनडिसिपलिन जिहड़ा है जिहड़ा कि अनुशासन दे नाल की है आपां सारे पास जिहड़ी अफड़ा तफड़ी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जिस दे नाल की है जिहड़ी सारा दी सारी अव्यवस्था अते अराजकता फैल जाएगी। तो इस दे नाल की है जिहड़ी हिंसा दे जिहड़े चांस ने ज़्यादा होणगे और जिहड़ा समाज गरीबां अते कमजोरां प्रति सुरक्षा गायब हो जाएगी। तो संक्षेप विच असीं कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता साडी नैतिक समाजिक अते राष्ट्रीय जीवन दीआं जड़ां तक नूं खा जाती है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाउ कैन एन अफसर इनकलकेट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन हिज सबोर्डिनेट। कि एक जिहड़ा अफसर है वो आपके जिहड़े अधीन